हरीश रावत एक कांग्रेस में वन मैन शो की तरह चल रहे हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा। कांग्रेस की हरीश रावत की नहीं चल रही कांग्रेस। अगर स्टिंग मामले में सीबीआई आपको गिरफ्तार कर ले तो फिर इसको किस रूप में लेंगे? वो कौन से नाम है आप बताइए ना, हम दिखाना चाह रहे हैं कौन से नाम है। उसमें विजयवर्गीय जी का नाम, कैलाश विजयवर्गीय का। नमस्कार, मैं अनूप श्रीवास्तव और इंडिया संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया संवाद में आपका। और पहला सवाल यही सर, 50 बरस हो गए आपको राजनीति के भीतर, 70 विधानसभा सीटों के लिए इतना संघर्ष हमने कभी नहीं देखा। हम अचानक हमको लगा कि हम महत्वपूर्ण हैं और अचानक लगा कि देश की पूरी सत्ता जो है उत्तर को दबोच लेना चाहती है, जबकि संघीय व्यवस्था में बड़े राज्यों से तो कभी खतरा भी पैदा हो सकता है जो संघ को चला रहे हैं, मगर छोटे राज्य भी उनके लिए चुनौती हो सकते हैं, इसका एहसास करवाया या हो सकता है उनका जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था उसमें उनको लगा कि उत्तराखंड एक चुनौती के रूप में खड़ा है कि कैसे खड़ा है ये छोटा सा राज्य जो है इसलिए। मगर ये आपने सत्य कहा कि पिछले मार्च के महीने से ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए या दिल्ली में जिनके हाथ में है उनके लिए एकमात्र चुनौती उत्तराखंड है। सारे ताकतवर लोग वहीं दिखाई दे रहे हैं। अब भी खबरें ये हैं कि जो उनके महापुरुष हैं वो फिर से वहाँ आधा दर्जन मीटिंगें करेंगे। इस सवाल यही है हरीश रावत जी बार बार, क्योंकि हम बार बार चूंकि आप इस दौर में देखें राज्यों में चुनाव का मतलब अब पार्टी वर्सेस नहीं रहा, कहीं पर जाकर ये चुनाव पीएम वर्सेस सीएम हो गया है, इसको किस रूप में ले रहे हैं? सीधा प्रधानमंत्री से लड़ाई है रावत जी की? नहीं, देखिए हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं, हम कहीं अपनी तुलना जो है प्रधानमंत्री से नहीं मानते। उनका व्यक्तित्व, उनका अनुभव, उनका कद, 50 बरस आपको भी राजनीति में हो गया है। 50 वर्ष है लेकिन हमारी कोई तुलना नहीं है, लेकिन विनम्र भाव से हम अपने सेठ की सेवा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के मन में ये धारणा होनी चाहिए जी, जो राज्य है वो भी अपने तरीके से ग्रो करें, वहाँ के लीडरशिप अपने तरीके से ग्रो करें। जो राजनीतिक चुनौती है ठीक है, वो अलग पार्टी में हम अलग पार्टी में हैं, अपने अपने तरीके से काम करें। जो एक सीमाएँ हैं, एक मान्य सीमाएँ हैं कि किस सीमा तक प्रधानमंत्री को राज्यों के मामले में दखल करना चाहिए, उनके राजनीति के मामले में, वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे वहाँ दल बदल करवाया गया तो बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के कोई ऐसा नहीं कर सकता, और भाजपा में तो कोई सोच ही नहीं सकता इस समय। जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो तो अब बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री की इच्छा से हुआ, और वो भी एक आधार बनाया गया कि एक छोटे से स्टिंग को जो है जी, जिसका कहीं कोई बेसिस नहीं है, जिसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कल्पेबिलिटी बनी नहीं रहे, लेकिन उसको आधार बना करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना उस आधार को और कह दिया नहीं राष्ट्रपति शासन हटाइए और वहाँ पर पूर्ववत व्यवस्था बनाई जाए, तो जब फिर हमारी सरकार अस्तित्व में आ गई तो नहीं तो आप ये अब सीबीआई के माध्यम से घेरने की कोशिश हो रही है। नहीं रावत जी, इसमें हमारा बजट भी गड़बड़ा दिया गया 3-4 महीने, विधानसभा कहती है पास, हाईकोर्ट कहता है पास, सुप्रीम, लेकिन केंद्र की सरकार और भाजपा कहती है नहीं पास नहीं हुआ, हमको फिर मजबूरन 3-4 महीने बाद नए सिरे से बजट पास करवाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि कुछ अनयूजुअल, जिसको अब कहा जाए कि कुछ खास रुचि ली जा रही है ताकि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस से सत्ता को छीना जा सके, जो उचित नहीं। सवाल हमारा ये था इसमें कि अभी आप ने धरना प्रदर्शन किया उस दिन जंतर मंतर पे भागीरथी इको जोन को लेकर, हमारा सवाल ये है कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये तो प्रणब मुखर्जी के समय में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी कांग्रेस सरकार ने कराया था जी, बिल्कुल हमको मालूम। जयंती नटराजन का उस पर आपने यादव नोटिफिकेशन, हमने हमने उसका विरोध भी किया जी,
और मगर ये कांग्रेस का ही है। जी जी, हमने मंत्रिमंडल में भी बिल्कुल उस मामले को उठाया और ये उसी का परिणाम था कि जयंती नटराजन को एक पत्र भेजना पड़ा, राज्य सरकार को एक आदेश जारी करना पड़ा जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार एक जोनल मास्टर प्लान सबमिट करेगी और उस जोनल मास्टर प्लान जब सबमिट होगा, सैंक्शन होगा, उसके आधार पर जो है वहाँ की जो विकास की गतिविधियाँ होंगी, कैरीड आउट होंगी। हमको मास्टर प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो कह रहे हैं सभी नदी घाटियों के लिए हम मास्टर प्लान बनाए, एक अच्छा आइडिया था और हमने मास्टर प्लान बनाया। दो साल बाद हमने जब सबमिट किया तो आपने लॉक स्टॉक एंड बैरल हमारे मास्टर प्लान को रिजेक्ट कर दिया। आपने कह दिया कि साहब हम तो उसको नहीं मानते। हम कह रहे हैं यदि कुछ कमियाँ थी तो हमसे पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय बुला करके बात कर लेते, बिल्कुल हम उसको दुरुस्त करने का काम करते ताकि इको सेंसिटिव जोन के प्रति जो कंसर्न है वो कंसर्न भी बना रहे वो, और एक संतुलन के आधार पर वहाँ के विकास की गतिविधियाँ भी शामिल हुई। यही तो मास्टर प्लान का मकसद था। तो केंद्र सरकार ने, तत्कालिक सरकार ने यदि इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया, पर्यावरण संबंधी वागृति एरिया के संवेदना को समझा, तो साथ साथ हमारी विकास की आवश्यकता को भी समझा और कहा मास्टर जोनल प्लान बनाइए तब इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन लागू होगा। अब इन्होंने तो उल्टा कर दिया, इन्होंने तो हमारा मास्टर जोनल प्लान ही फेल कर दिया। तो इसलिए हमारा कंसर्न, हमारी जो चिंता है कि साहब आज जो भागीरथी नदी घाटी क्षेत्र में हो रहा है कल सारे उत्तराखंड में एप्लीकेबल होगा, इससे विकास बंदी हो जाएगी। और हकीकत यह है मोदी जी ने पहले तो हमारे ऊपर जो भी था जो नहीं हो रहा था, जब आए तो पहले नोटबंदी से हम तरा रहे थे, हमने कहा उनको ज्ञापन दिया कि साहब हमको 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, कुछ भरपाई करिए, कुछ तरीका ढूंढिए, और उन्होंने दिल्ली आते ही हमारा आटा बंद कर दिया, फिर मिट्टी तेल बंद कर दिया, हमको मिट्टी तेल भी नहीं दिया जा रहा है उत्तराखंड को और इस समय नहीं दिया जा रहा है जो जाड़ों के अंदर है, हम कहाँ से भरपाई करें। तो आपने डेलिबरेटली हो रहा है, तुमने मिट्टी तेल बंद कर दिया, तुमने IDPL हमारा एक जो है बहुत बड़ा संस्थान था जिसको नेहरू ने हमको दिया था, आपने उसको बंद कर दिया, आपने HMT बंद कर दी और अब जो है विकास बंदी भी करवा दी। जो भागीरथी मास्टर जोनल मास्टर प्लान को रद्दी की टोकरी में डालने का अर्थ है कि आपने हमारी भविष्य की विकास की संभावनाओं को बंद कर दिया है। इसलिए मैं दिल्ली में दस्तक देने के लिए आया, ये कहने के लिए आया, मैं तो सारे देश से कह रहा हूँ इस बात को। नहीं सर, एक सवाल और हमारा ये था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 15 तारीख को वोट डलने हैं, 11 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी और आप जो इस वक्त बिसात बिछा रहे हैं बेहद महीन तरीके से आप राजनीति में एक लकीर खींच रहे हैं, यहाँ पर लग यही रहा है ये सब कुछ एक खेल बनकर रह जाएगा और आने वाले वक्त में हरीश रावत फिर से एक बार वजीर बनकर निकलेंगे। आपको मुख्यमंत्री बनना है, कांग्रेस को जीतना है, क्या संघ के अंदर ऐसा रहेगा कि एक ही रंग का फूल रहेगा देश के अंदर? अरे ये क्यारी है भारत जो है, इसमें सभी विचारों के लोगों को रहना चाहिए। इस समय कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है और लोकतंत्र बचे उसके लिए बहुत आवश्यक है कि पंजाब में, उत्तराखंड में कांग्रेस जीते, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और उनका गठबंधन जीते, मणिपुर में कांग्रेस जीते, गोवा में कांग्रेस जीते, ताकि अहंकार ना आए। सत्ता अहंकार देती है। मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है मुझको भी अहंकार रहा हो, लेकिन जिनके पास पूरी दिल्ली है तो मैया देश है, तो अहंकार ही ना हो जाए। इसलिए ये मौका है लोगों के सामने कि आप चक डेमोक्रेटिक चक रखिए। कांग्रेस की जीत का अर्थ है लोकतांत्रिक चक जी, अहंकारवाद पर एकाधिकार। बिल्कुल नहीं सीएम साहब, एक सवाल और हमारा ये था कि बार बार ये कहा जा रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि हरीश रावत एक कांग्रेस में वन मैन शो की तरह चल रहे हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा। सभी लोग वहां से निकल गए और बार बार उनका ये कहना है बागी विधायकों पे कि आपने उन्हें मजबूर कर दिया, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, चाहे बहुगुणा, और बहुगुणा जी तो निकल कर ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप तो। एक बात मुझे बताइए जी, जिस व्यक्ति को 2.5 साल
कि संसदीय अनुभव के आधार पर एक पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, दो साल मुख्यमंत्री बना कर रखा, तो भैया दो एक साल तो लड़ लेते हरीश रावत। यदि इससे यदि मान लिया हरीश रावत कोई ज्यादती कर रहा था, ये तो पार्टी में पार्टी छोड़ करके चले गए। तो इसका अर्थ है कि आप उस पद के लायक नहीं थे जो पद कांग्रेस ने आपको दे दिया। आप पार्टी के अंदर रह करके अपनी बात करते, मगर आपने विपक्षी दल से हाथ मिला लिया और उसी का परिणाम लोगों को मालूम है कि कोई इस खेल में कौन था। एक बहुत चर्चा आई है इंडिया बुल नाम के शब्द की, हम तो जानते भी नहीं है क्या है करके। नहीं तो आप सर सरकार में हैं, आप सारा खेल वहीं से, सर मुख्यमंत्री हैं, आप इंडिया बुल का नाम ले रहे हैं, आपने जांच नहीं कराई, वो लोग कह रहे हैं। अब हमको एक बात बताओ, हम आपदा से जूझते हैं, इनके पीछे जांचों में रहे। नहीं बिल्कुल सही है सीएम साहब, आप जिस रूप में कह गए, हमारा कहना है आप सीएम थे, आप एक ने बेहद ही आपने गंभीर आरोप लगा दिया, और अगर ये सारी मालूमात आपके पास थी तो हमारा कहना है कि मालूमात मेरे पास ही नहीं थी, दिल्ली वालों के पास भी थी जिन्होंने लगाया था। तो आप मुख्यमंत्री हैं सर, आप चाहते तो मतलब वो जेल में होते, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत वो लोग जेल में होते। सब जानते हैं, लोगों को ये भी मालूम है, उन्होंने चर्चाएं थी कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका उपयोग किया गया। आप एक बात से अंदाज लगाइए, क्या CISF की सिक्योरिटी दी गई है दल बदल करने वालों को? क्या ये पूरा देश आंख बंद करके है क्या, इस बात को नहीं देख रहा देश? आप कैसे एक राज्य के अंदर सिक्योरिटी राज्य का कर्तव्य है, यदि कोई बात है तो हम नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट हमको डायरेक्शन करेगा, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस को बिना राज्य की इजाज़त के नहीं लगाया जा सकता। वहाँ जो है CISF जो है दल बदल करने वालों का वो कर रही है। दिल्ली से जितने इनके नेता आते थे वो CISF के प्रोटेक्शन में आते थे, आगे पीछे CISF की और उनकी गाड़ियाँ होती थी। अब क्या था क्या नहीं था भगवान जाने। नहीं लेकिन रावत जी, लोग कहते हैं कि उसी में सब कुछ आता था। नहीं नहीं हरीश रावत जी, और एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि CISF की सिक्योरिटी थी, और इतने चार्टर आए और एक ही व्यक्ति उस चार्टर को लेकर के आता था, तो सबको मालूम है कौन क्या है करके, खेल सबको मालूम है। लेकिन है जबरा मारे रोने न दे सवाल, और हमारा ये था बहुत ही गंभीर स्थिति में आ गया है उत्तराखंड में, जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक सवाल था कि आप एवरेज निकालेंगे 13 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट का जो जनसंख्या वृद्धि है, चूंकि मैं पूरी स्टडी करके आया हूं आज, तो मैं जानना ये चाह रहा था वहां पर 5% है, लेकिन अल्मोड़ा में आ जाइए आप सर माइनस में चली जा रही है स्थिति। देखिए अल्मोड़ा और पौड़ी में कुछ चीज़ें हैं जो इंडिकेटर्स हैं, हमने उनका अध्ययन करवाया है और उसका हमने रास्ता भी निकाला है, और इसीलिए हमने दो वार डिक्लेयर किए हैं। एक वार अगेंस्ट एनीमिकनेस जो लोगों में खून की रक्त की कमी का है, ये कुछ ज़िले जो हैं जिसमें हरिद्वार अल्मोड़ा और पौड़ी बुरी तरीके से ग्रस्त हैं इससे, और दूसरा हमने प्रदर रोग के खिलाफ वार डिक्लेयर किया है ताकि जच्चा बच्चा मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकें। तो हमने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं इनको काउंटर करने के लिए, और आपको ये जान करके खुशी होगी कि देश के अंदर जो है ICDS के अंदर जो फूड सप्लीमेंट मिलता है गर्भवती महिला को, हमने उसमें अपनी तरफ से बहुत अच्छा टॉप अप किया है। टिकटों को लेकर इतनी उलझन की स्थिति क्यों? सीधा सवाल है, टिकटों को लेकर किसकी चल रही? कांग्रेस की। हरीश रावत की नहीं चल रही, कांग्रेस की। चलिए और उलझन है ही नहीं, ये तो सब कुछ तय है, तो फिर घोषणा कब होगी, तारीख बता दीजिए। समय हर पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार करती है जी, यदि यही तो है चुनाव प्रबंधन जो है। नहीं एक बात ये भी आ रही है, क्या लगता है अगर स्टिंग मामले में CBI आपको गिरफ्तार कर ले तो फिर इसको किस रूप में लेंगे आप? किस रूप में, जबरा मारे रोने में दे, वो ताकतवर हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम जेल चले जाएंगे। अरे हम कोई थोड़ी कह रहे हैं, और हम तो देश से कह रहे हैं कि कम से कम देश मंथन करेगा ये, यदि हमें जेल भेजेंगे तो देश फिर उस टीम को देखेगा क्या है उस टीम के अंदर, क्या उसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे
कोई कल्पेबिलिटी बन रही हो, कोई रुपये का लेन देन कर रहा हूँ, कहीं मैं कह रहा हूँ कि मुझे विधायक चाहिए, कहीं भावताव कर रहा हूँ, कुछ ऐसा अपराध कर रहा हूँ? एक आदमी जबरदस्ती आपके मुंह में कुछ डाल रहा है, वो असल में स्टिंग नहीं है, वो षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र करवाया गया हमारी सरकार को गिराने के लिए जो है। और जिस एरिया में कोई नहीं पहुँच सकता है, मैं भी नहीं जा सकता बिना अनुमति के, उस एरिया में वो व्यक्ति कैसे पहुँच गया? मैं अनुमति से जा रहा हूँ और वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है। हाँ भाई, पत्रकार है, जैसे आप आए, आप तो मंशा पर सवाल उठा दिए, बोले कि आप मिलने गए थे, आप बात करते हैं, जी जी जी, आपने कहा बात करना चाहते हैं, अब पता नहीं आप स्टिंग कर रहे हैं या जो है बात कर रहे हैं, ये तो आप जाने। तो हमने उनसे, उन्होंने बातचीत में उलझाया, कहा वे आपकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ, साफ कहा है आपकी सरकार को गिराने का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उसमें बीजेपी के नेताओं के नाम लिए हैं, और कहा लेन देन, वो कौन से नाम है आप बताइए ना, हम दिखाना चाह रहे हैं कौन से नाम है। उसमें विजयवर्गीय जी का नाम लिया, कैलाश विजयवर्गीय का, उसमें जो है उन्होंने विजय भगुणा जी का नाम लिया है, और भी एक दो तीन लोगों का नाम लिया है, कहा एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, शब्द हैं उन्हीं के शब्द हैं जो है, जिसके स्टिंग के आधार पर हम पर सीबीआई जांच कर रही है, और कहा लेन देन हुआ, किसको क्या दिया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन लेन देन हुआ जरूर है। तो बीजेपी सीबीआई भैया उसकी जांच क्यों नहीं कर रही? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, सीबीआई उसकी इंक्वायरी नहीं कर रही है, स्टिंग के उस पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। और एक और वो है उसमें, दो बातें जो काबिले गौर हैं जी। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री हाउस में एक शटर बैठा हुआ था 2 साल, और उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे का नाम लेते हैं। अभी भाजपा ने न एक्सेप्ट किया न डिनाई किया, कहे कि या तो भाजपा कहे कि स्टिंग का ये पार्ट गलत है जो जी, और या कहे सही है, तो क्या मुख्यमंत्री हाउस में शटर बैठा हुआ था और वो मुख्यमंत्री का बेटा था? और तीसरी बात ये कहता है वो कि ये पापी हैं, बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करते हैं, बिना पैसे के तो इनका वो नहीं चलता है, और वो पापी जिसका भाव लगा रहा है, और वो पापी अब भाजपा का नेता है, स्पोक्स पर्सन है जी। तो क्या ये 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 साफ तौर पर नहीं बताती है कि ये कल्पेबिलिटी बन है? कल्पेबिलिटी उन लोगों के पार्ट में है जिन्होंने स्टिंग किया है, मेरे पार्ट में नहीं है, मेरे पार्ट में नहीं है। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो खुद ही इंतजाम करने की बात कर रहा है। आप मेरे पास आए, आप मुझसे कह रहे हैं कि विधायक बिकाऊ है, आप उसका भावताव कर रहे हैं, ये तो आपने उसकी शिकायत कर दी, मेरे पास नहीं है, आप कह रहे हैं मैं पैसा दूंगा, तो सीबीआई उनसे क्यों नहीं पूछ रहे, पहलवान ये पैसा कहाँ से ला रहा था तुम, क्यों नहीं ईडी तो जांच कर रही है? हुजूर, आपने शिकायत करी नहीं करी है? आपने शिकायत कर दी, जबरा मारे रोने ने दे, हम क्या शिकायत करें, हम बस खुद ही लगा दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ही हो जो, ये तो मेरे घर में डकैती पड़ी, विधायक मेरे चोर करके लेके भाजपा के घर में दिखाई दे रहा है, थानेदार साहब है हुकाम हमारे देश के, वो कहते हैं कि तुम ही अपराधी हो, क्योंकि तुम्हारे घर में चोरी हुई क्यों, तुम्हारे वहां से विधायक चोरी गए क्यों, आप बार तो ये सिद्धांत यदि आज जो मुझ पर लागू किया जा रहा है उत्तराखंड में, ये सिद्धांत मान लिया जाए तो विदेश में जिसके घर में डकैती पड़ेगी उसी के खिलाफ मुकदमा होगा। मेरे घर में डकैती पड़ी, विधायक तो मेरे वहां से गए और भाजपा में दिखाई दे रहे हैं, अपराध तो साफ दिखाई दे रहा है, अपराध कहाँ है? नहीं सर, जो ये 10 विधायक चले गए, बागी बार बार इनका जिक्र हो रहा है, हमारा कहना है कि कांग्रेस के पास क्या कोई रणनीति है, क्या किसी को उतारेगी? बार बार जिक्र इसका भी हो रहा है, आपके उससे जिक्र हो रहा है, पहले एक घर एक टिकट की बात हो रही थी, लेकिन आज की स्थिति में एक बाद में नारा दिया गया कि जिताऊ उम्मीदवार टिकट पाएगा। अब हमारा सवाल यह है, बार बार ये चीज़ आ रही है कि हो सकता है कि आपके सुपुत्र बागियों के खिलाफ लड़ेगा, सही है क्या? पार्टी क्या निर्णय करेगी, जब करेगी तब देखेंगे। और देखिए, हमारे तो सब अपने हैं, जहाँ जो जीत सकेगा उस हिसाब से करेंगे। हाँ, काम तो जरूर मैंने अपने बेटे को भी लगाया था जी। तो लगाने का अर्थ ये नहीं है कि टिकट के दावेदार बन जाते हैं, ताकि टिकट के दावेदार तो तभी बनेंगे जब जनता में शुरू। सर, एक और बहुत मुश्किल दौर में उत्तराखंड यहाँ से गुजर रहा है, जो पर कैपिटा इनकम का मसला है। आप डिस्ट्रिक्ट एवरेज की बात करिए, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, दून में तो स्थिति सामान्य है,
लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप नजर फेरें, क्योंकि आप सीएम हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। आपने बहुत सही बात उठाई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी पीठ ठोकी जानी चाहिए कि मैंने जिन एरियाज की एवरेज पर कैपिटा इनकम घट रही थी मैंने उसको न केवल रोक दिया बल्कि अब जो है बढ़ोतरी है, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, यहाँ तक कि बागेश्वर में जहाँ लोएस्ट पर कैपिटा इनकम थी वहाँ भी बढ़ोतरी हमने करवा दी। हमने तो इसका मतलब है कि हमने समावेशी विकास की नीति को अपनाया और उसका फायदा जो है जो क्षेत्र पहले अभावग्रस्त क्षेत्र थे वो क्षेत्र उठा रहे हैं। तो ये जो पर कैपिटा इनकम का है, और दूसरी बात, हाँ, देश के अंदर 2016-17 में 2015 के उत्तरार्ध के बाद इतना फेनोमेनल राइज पर कैपिटा इनकम में किसी राज्य में नहीं हुआ प्रतिशत के हिसाब से। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज का जिक्र कर रहे थे, उत्तराखंड नहीं। आपको, आपने हमारी कमजोरी निकालने के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट में बांटा, मैं अपनी ताकत की बात बता रहा हूँ, शक्ति हमारी जहाँ कमी होगी उसका भी जिक्र होगा। 2015-16 के अंदर जो पर कैपिटा इनकम में राइज हुआ है उत्तराखंड के अंदर, वो ये बताता है कि हमारा जो ग्रोथ का मॉडल है, जो हमने विकास का मॉडल 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया, वो असर दिखा रहा है। दो सवाल का जवाब और दे दीजिए सीएम साहब। पहला सवाल तो यही, राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी से लेकर हर कोई, मुख्यमंत्री केजरीवाल को ही ले लीजिए, आप दिल्ली में बैठे हैं इस वक्त, हर कोई किसी ने इसको नोटबंदी को जो है आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया, लेकिन आप वो पहले शख्स थे हमने देखा कांग्रेस के जिसने नोटबंदी का स्वागत किया। काले धन के खिलाफ जी किसी भी लड़ाई के पक्ष, और फिर आप कहे 1,000 करोड़ का नुकसान हो गया। हम जो है आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई के खिलाफ जी, न आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई के साथ है केंद्र सरकार के साथ, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि आपने आतंकवाद के खात्मे की बात कही, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही, और यहाँ तो कश्मीर में हमारे लोगों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है हमारी सेना के खिलाफ, जिस तरीके से मौतें बढ़ी हैं, सैनिक आतंकवादियों के हाथ मारे जाने की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे विचार करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं, या आपकी जिम्मेदारी है, आप आतंकवाद का समाप्त खात्मा करिए। हमने 2014 में शांत आपको कश्मीर दे करके गए, आज अशांत कश्मीर है, इफेक्ट है बिल्कुल। देश के हर नागरिक को जिसके पास 500 का 1,000 का नोट है उसका काला धन वाला बना दो, ये तो हमारी लड़ाई, ये ऐसी लड़ाई में हम आपके साथ नहीं है। सेवा दल से शुरुआत करने वाला एक ऐसा शख्स जिसके पास 50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, क्या आज वो इतना कमजोर नजर आ रहा है? क्या स्थिति है कि आप खुलकर ना विरोध करने की स्थिति में है ना सहमति जताने की स्थिति में, चाहे आप टिकटों को लेकर कह लें, चाहे आप मोदी जी के विरोध को लेकर कह लें? और एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ जवाब दे दीजिए सर, आपसे लोग सीख रहे थे लगातार, उत्तराखंड बीजेपी आपसे सीख रही थी, जिस वक्त आप लोगों के बीच जाते थे आप एसेसिबल थे, लेकिन आज की स्थिति में आ जाइए, क्यों ये लोग कह रहे हैं बार बार कि हरीश रावत जी थोड़ा सा अनरीचेबल हो गए? ये इस पर मैं गौर करूंगा जी, क्या ऐसा है, बात यह है कि जो आपने कहा जी कि क्यों असमर्थ, मुझे कोई बात नहीं, मोदी जी से हमारा वैचारिक मतभेद है लेकिन वो प्रधानमंत्री है। यदि प्रधानमंत्री कहता है कि मैं काले धन से लड़ रहा हूँ तो मैं कहूँ तुम नहीं लड़ो, न लड़ो, लड़ो महाराज, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। लेकिन आप आतंकवाद से लड़ने की बात कहते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन रिजल्ट तो आपको देना है ना, और अभी तक तो रिजल्ट मिल नहीं रहा, अभी तक तो नोटबंदी से तो उल्टे रिजल्ट आ रहे हैं जी। चलते चलते एक आखिर सवाल का जवाब लग रहा है, कहीं देश की आर्थिक नाकेबंदी ना हो जाए। एक आखिर सवाल का जवाब दे दीजिए सीएम साहब, क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में 2017 में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस का झंडा लहराएगा? पक्का जीतेंगे, क्योंकि इस समय हमारी जीत का सवाल नहीं है, उत्तराखंडियत की जीत का सवाल है। जो शुरुआतें हमने की हैं वो उत्तराखंडियत की हैं, ये वो शुरुआतें हैं जो राज्य आंदोलन की भावना थी, उसके अनुसार हमने राज्य व्यवस्था को चलाने का काम किया है। 16 साल के बाद पहली बार जो है ये इन चीज़ों पर बातें हो रही हैं, इन चीज़ों को हम आगे लाने का काम किया है, जो हमारे राज्य के सरोकार थे उनको आगे लाने का काम किया है, तो मैं नहीं समझता कि उत्तराखंड के लोग अपने ही सरोकारों को हराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया संवाद से बातचीत करने के लिए।